उधर मध्य प्रदेश के कसराबाद में पुलिस के द्वारा दो केबल ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये कल हमारे यहाँ एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, स्टार इंडिया कंपनी के जो है, तो यहाँ खामखेड़ा और पीपलगोंड में जो केबल ऑपरेटर है महेश और राजेश, इनके द्वारा स्टार की कुछ चैनल है जो क्रिकेट, स्टार क्रिकेट इंडिया और इसका एनालॉग के माध्यम से मैनुअल तरीके से, जो आजकल सेट टॉप बॉक्स आ गया उसके माध्यम से ना चलाते, मैनुअल तरीके से इसका प्रसारण कर रहे थे, जो कॉपी एक्ट राइट के तहत धारा 37, 51, 63 और 65 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और जल्दी की तरफ करेंगे। कसराबाद विधायक सचिन यादव ने नगर को तंदुरुस्त रखने की सौगात दी है। 8,31,000 की लागत से अस्पताल ग्राउंड में कसराबाद का पहला गार्डन जिम खोला गया है, जिसकी शुरुआत आज उन्होंने कर दी। देखिए, विधानसभा क्षेत्र नगर के हमारे जो नगरवासी हैं वो स्वस्थ रहें, फिट रहें, और इसीलिए ये ओपन जिम की परिकल्पना हमने और हमारे साथियों ने करी है, और आज उसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए आज हमने नगर में यहाँ पर एक ओपन जिम खोलने का काम किया है। और आशा यही है कि हमारे नगर के तमाम साथी, चाहे किसी भी आयु वर्ग के हों, सब आए यहाँ पर, महिला आए, बच्चे आए, लोग आए और यहाँ पर ओपन जिम का इस्तेमाल करें और स्वस्थ रह करके, फिट रह करके कहीं ना कहीं देश की उन्नति और विकास में जो है अपनी सफलता। बैंकों के निजीकरण के विरोध में लोगों को जागरूक करने की बात पर खरगोन जिले के बैंक कर्मी सड़कों पर उतर गए और प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जाता है कि बैंक कर्मियों ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले एकजुटता दिखाई और आज विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। जारी यूनाइटेड बैंक ऑफ बैंक फोरम के तहत हम लोग अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिकारी सभी जो यूनियन से, उनके बैनर तले हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं और हम सरकार से और आम जनता से अपील करते हैं कि ये निजीकरण रोका जाए, और हम आम जनता से आह्वान करना चाहेंगे कि सरकार हम लोगों की आवाज़ रोक सकती है पर आम जनता अपने हमारे साथ आती है तो ये निजीकरण नहीं होगा और ये आम जनता के लिए लाभप्रद है। सार्वजनिक बैंक अगर हैं तो आम जनता के जो जमा पूंजी है वो सुरक्षित हाथों में है और सुरक्षित है आज तक हम देखते आए हैं, और लेकिन अगर ये पैसा, ये पूंजियां, ये संपत्ति सार्वजनिक बैंक अगर निजीकृत और औद्योगिक घरानों के हाथों में चले गए तो इनका डूबना निश्चित है। आज की तारीख में अगर सरकार का कहना है कि सार्वजनिक बैंक जो है कार्य कुशल नहीं है और घाटे में चल रही है, पर लेकिन मैं हम ये आम जनता को बताना चाहता हूँ, ये सार्वजनिक बैंक घाटे में नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चल रही है सारी। आज की तारीख में सन 2019-20 का जो फाइनेंशियल डाटा है उसके तहत सार्वजनिक बैंक 1,74,000 करोड़ के प्रॉफिट में है, किंतु सार्वजनिक बैंक जो सरकार है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक बैंकों में जमा आम जनता के पैसे को निजी लाभ के लिए रेवड़ियों के भाव बंटवा रही है। उधर खरगोन जिले की इंदिरा नगर कॉलोनी में एक 18 वर्षीय युवती ने साड़ी के फंदे में झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि युवती ने शाम के समय दरवाजा बंद कर ली और अपने ही घर में खुद को फांसी के फंदे से लटका लिया। और काम से आई तो उसको दरवाजा ठोका तो उसने खोला नहीं, मम्मी ने सोचा कि सोई हुई है, फिर वापस मम्मी काम पे चले गई, फिर 7 बजे देखा तो अंदर लटक रही थी वो, दरवाजा नहीं खोला तो पीछे के दरवाजे से खोला। कब की घटना है? करीब होगी 7-1 बजे की।